दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। दिल्ली में सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। 11 साल का बच्चा क्या किसी से लड़ाई करेगा, क्या वो 3 लोगों को संभाल लेगा? कह रहा 3 लोगों ने मुझे मिलके मारा सीनियर स्कूल के। भैया मेरा बच्चा चला गया, बहुत मासूम था, बहुत अच्छा था, आज ही मेरे हाथों से निकल गया। गली में मन्नू मन्नू होता था। भैया बस ये चाहती हूँ, मुझे ना वो लोग तो दिखा दो कैसे जानवर है जो स्कूलों में डाल रखे हैं, और वो 10वीं तक आगे उन्हें ये नहीं समझा पाए सर स्कूल के कि इंसानियत किसको कहते हैं। इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ा पाए तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम स्कूल क्या चला रहे हो तुम, ये बता दो ना मुझे। अरविंद केजरीवाल जी, सीधे सवाल आपसे किया जा रहा है कि आप अपने सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं या फिर उसे अपराधी बना रहे हैं? रखे हैं वहाँ आतंकवादी बना रखे हैं वहाँ बच्चे को स्कूल छोड़ते समय, कि मेरा क्या इस बार का ही तो गया है, मेरा तो सेफ है, तो विश्वास दिलाती हूँ मैं तुम्हारा भी सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने भी यही सोच के अपना बेटा भेजा था सुबह खिला पिला कर कि मेरा तो बेटा सेफ है। स्कूल में तो पहली बार नहीं हो रहा, ये धंधा बना दिया है। बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने सरकारी में डाल दिया, काश मेरे पास थोड़े पैसे होते तो मैं उसे प्राइवेट में पढ़ा देती। क्या अगर चाहते हो ना अपना आपका संभल जाए बच्चा, कल उसके साथ ना हो तो सरकारी स्कूल में कल भेजने से पहले 2 बार सोच लेना, क्योंकि मैंने नहीं सोचा तो आज मैं जिंदगी भर सोचूंगी और शायद मैं मरते दम तक भी ये सोचूंगी कि मैंने क्यों भेजा। मेरा बेटा तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी जैसी माएँ बहुत है, मैंने न्यूज़ों में देखी है, हर 3rd दिन स्कूलों में होता था, मैं देखती थी, मैं भी यही सोचती थी मेरा तो सेफ है तो मैं क्यों बोलूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था उन माओ में मेरी भी आज गिनती हो जाएगी और वो हो गई। भाई जिसको लग रहा ना अपना बेटा भेज रहे हो, मार पीट के कर देते आपका बेटा बड़े होकर कुछ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, किसी दिन सफेद कपड़ों में आ जाएगा, आप पे रोने के सिवा समय कुछ नहीं रहेगा, सरकारी सुविधा मिल जाएगी आपको सारी, लेकिन आपको ना दिल की शांति नहीं मिलेगी जो मुझे भी नहीं मिली अभी तक। कैसे क्या हुआ आपके बेटे के साथ, बता सकते हैं आप? भैया मैंने उसको ना 11 तारीख को स्कूल भेजा था और वो ना 2 बजे आता था, लेकिन उस दिन ना वो 2:30 बजे आया घर पे। मैंने कहा उससे कि बेटा क्या हो गया, तो कह रहा मम्मी मेरे ना पैर में दर्द हो रहा है। और भैया वो पैर में दर्द ऐसा था कि वो फिर उसके बाद नहीं उठा, आज उसका अंत हो गया मेरे लड़के का। मुझे अभी भी नहीं पता लगा उसका क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि वो उठ के बैठ भी नहीं पाता था, उसकी कमर में भी क्या हो गया था मुझे नहीं पता लगा कुछ भी। मेरे बेटे के साथ स्कूल वालों ने क्या कर दिया, कुल 1 ही दिन भेजा था मैंने अभी। बस मेरी क्या गलती थी, यही तो गलती थी कि मैंने उसको स्कूल भेजा था। मेरा फूल जैसा बच्चा चला गया भैया मेरा। कितना बेटा है घर में आपको? मेरे पास 2 ही बच्चे थे, 1 बेटा था 1 बेटी थी। अब मेरे पास तो भैया दोनों हाथ खाली हो गए, मेरी 1 ही बेटी रह गई, मेरा बेटा चला गया। और भैया मैं उससे कहना बहुत, मैंने कभी उसे थप्पड़ भी नहीं मारा था और उन लोगों ने उसका पैर में इतना फ्रैक्चर कर दिया पूरा स्कूल वालों ने। सर में भी चोट थी क्या, बॉडी में भी चोट थी? भैया मुझे नहीं पता क्या क्या था, लेकिन मैंने उसका पैर देखा था, वो पैर उसका मरते दम तक ठीक नहीं हुआ। मेरा बीवी देखा उसके पैर में बहुत सूजन हो रखी थी, बहुत बेरहमी से मेरे बच्चे की गई है। 1 दिन नहीं हुआ कि वो रोया ना हो, 1 दिन ऐसा नहीं हुआ कि वो चैन की सांस ली हो, उसने 1 रात नहीं सोया वो, और उसके साथ मैं भी नहीं सोई भैया, 1 दिन भी नहीं सोई।